हरियाणा के चुनाव का निर्णय सभी देशवासियों के लिए एक आश्चर्यजनक पल था, जब लगातार भाजपा ने हरियाणा में चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई है। नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने इस बार का हरियाणा चुनाव लड़ा और जीता भी। जहां एक तरफ हर किसी को कांग्रेस और गठबंधन के जीतने की उम्मीद थी, वहीं बीजेपी ने जीत का परचम लहराकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। गुरुवार को हरियाणा के नव निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जिसमें से एक मुख्यमंत्री नायब सैनी भी थे। लेकिन इस शपथ समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे और एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन समेत कई अन्य मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। नायब सैनी जैसे ही शपथ ग्रहण लेते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नायब सैनी को आते देख खड़े हो जाते हैं और शपथ ग्रहण करते ही प्रधानमंत्री के पैरों को नायब सैनी छूने लगते हैं। प्रधानमंत्री नायब सैनी को पैर छूने से मना करते हैं और फौरन उनके हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं और दोनों नेता एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। प्रधानमंत्री का ये व्यवहार हमेशा उनके प्रशंसकों की जुबान पर रहता है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को हमने कई बार जनता को पैर छूने से रोकते देखा है, लेकिन इस बार उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री जब ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने नायब सैनी को रोककर एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें, नायब सैनी हरियाणा की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। इससे पहले वे भाजपा सरकार के दो कार्यकाल में अम्बाला के नारायणगढ़ से विधायक और कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2023 में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।